हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पर्किन पंप की टाइमिंग लॉक के बारे में। तो ये 6 सिलेंडर पंप आया था हमारे पास, तो इसको हमने रिपेयर किया है। इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में आपको एंड पे लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इसकी पंप की टाइमिंग लॉक के बारे में बात करेंगे। तो इसको किस तरीके से लॉक करना है, ये इसका पार्ट नंबर वगैरह है, सीरियल नंबर वगैरह है, तो इसको हमने कैलिब्रेट कर लिया है। इसको कैसे लॉक करना है, कितने नंबर पर लॉक करना है, कितना क्या करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये पंप को हमने लॉक किया और जो है रिपेयर किया है, चेक किया है। ये इसकी एलाइट पाइप है, यहाँ पे इसकी एलाइट की पाइप लगती है और इसका जो है सोलनॉइड स्विच है जो पंप में होता है, और ये इसके रिटर्न फ्लो है, यहाँ से रिटर्न फ्लो आता है। तो इसके कनेक्शन है, ये इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हो। और ये देखिए, यहाँ पे जो है आइडल स्क्रू है, ये यहाँ से आइडल आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जो भी आपने आइडल जो स्पीड है कम या ज़्यादा करनी है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो अगले वाला है इससे आप आइडल सेट कर सकते हो। और जो अगला स्क्रू है उससे मैक्सिमम का स्क्रू है ये, इसको आप आगे करोगे तो आइडल बढ़ जाएगा, कम करोगे आइडल आपका कम होगा। यहाँ से आइडल की सेटिंग कर सकते हो आप। और ये जो लंबे वाला स्क्रू है ये मैक्सिमम स्पीड का है, ये देखिए ये मैक्सिमम का स्पीड का है। जैसे 1100-1200 आरपीएम पंप पर रखते हैं तो गाड़ी पे 2200 हो जाते हैं, उसका मैक्सिमम आपने आरपीएम कम रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं, यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप आरपीएम की जो सेटिंग है वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंप की टाइमिंग के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे की लगती है, देखिए यहाँ पे की लगती है, इसको आपको देखना है कि इसको डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, कितनी आपने रखनी है। इस तरीके से आप जैसे करोगे आपका पंप रिटायर रहेगा और एडवांस यहाँ से ही होगा, जो आपने रिटायर एडवांस करना है यहाँ से सेटिंग होगी सारी। इसको बैक साइड रखोगे तो देखिए इसको साइड में रखोगे और रिटायर एडवांस आप यहाँ से कर सकते हो। आपने इसको किस होल्डर पर सेट करना है, तो यहाँ पर जो की आएगी तो इसके अंदर भी निशान आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो ये हमने सेंटर वाला जो होल्डर होता है उसके सामने रखनी है की, लॉक वाली साइड में। इस तरीके से हमने इस तरीके से की को रखना है, देखिए हमने की को इसके सामने कर दिया और जो अंदर होएगा हमारा वहाँ पे एक डॉट का निशान आ जाएगा। देखिए हमने सेंटर में चेक किया, जैसे ही अंदर एक डॉट का निशान आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बिल्कुल ही आसान मैनुअल तरीका है, आप देख सकते हो जैसे आपका निशान आ जाए सामने, और देखिए यहाँ पे आपको निशान दिख रहा है अच्छे से। तो हमारा जो निशान सामने आ गया और हमारी जो की पोजीशन है वो भी सेंटर वाले होल्डर के सामने आ गई है। तो आपने क्या करना है, लॉक इस यहाँ पे लॉक कर देना। लॉक किस तरीके से करना है वो बता देते हैं आपको। देखिए आपको जो है डॉट का निशान चमक रहा है अच्छे से, और पंप का नंबर है ये, आप देख सकते हो। और की हमारी सामने आ गई और यहाँ पे डॉट का निशान आ गया और इस होल्डर के सामने आ गया। देखो सेंटर वाले होल्डर के सामने आया, ये इस होल्डर के सामने आ रखा है, देख सकते हो आप। तो आपने की को इसके होल्डर के सामने रखना है और आपका जो निशान है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और रिटायर एडवांस यहाँ से कर सकते हो, आपने जो है रिटायर रखना है या एडवांस रखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसको आपने देख लेना रिटायर रखना है या एडवांस रखना है, वो आपकी जो भी है उससे हिसाब से कर सकते हो। हम तो जो है वहीं पर रखते हैं जो सामने इसका डॉट का निशान होता है। और यहाँ पर जो पत्ती होगी इसकी, देखिए ये पत्ती इस तरीके से लगा देनी है, इस तरीके से पत्ती लगा देनी है। यहाँ पे पंप लॉक करेंगे और इस तरीके से जो इसका नट है स्क्रू है उसको लगा के टाइट कर देना है। तो इस तरीके से आप पंप को लॉक कर सकते हो। जब इसको आपको अनलॉक रखना है तो पत्ती को उल्टा कर देना है, इससे उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पंप जो लॉक हो गया, पत्ती बिल्कुल फ्री रहेगी। यहाँ पे देख सकते हो अगर हमारी पत्ती टाइट हो रही है तो हमारा पंप लॉक अच्छे से नहीं हुआ। और आप घुमा के देखोगे तो पंप हमारा घूमेगा नहीं क्योंकि ये लॉक हो गया है। इसको अनलॉक करना है तो इसको लूज करके पत्ती को आगे कर देना है, वहाँ पे टाइट कर देना है। जब आपकी पत्ती टाइट होगी तो समझो आपका पंप अनलॉक है। तो आप इस तरीके से मैनुअल पंप को जो है टाइमिंग लॉक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।